नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 भारत। विधानसभा भवन झारखंड में माननीय विधायक लोविन हेम्ब्रम एवं विभिन्न सारे सामाजिक संगठन के द्वारा आदिवासी मूलवासी की दशा एवं दिशा पर परिचर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय नीति, नियोजन नीति, CNT और SPT एक्ट कक्षा 5वीं अनुसूची के संबंध में चर्चा एवं परिचर्चा की गई। सारे नीतियों को लागू करने के लिए आगे रणनीति बनाकर आंदोलन करने पर विचार विमर्श किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विधायक लोविन हेम्ब्रम, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष राजू महतो, तीरथ नाथ, आकाश एवं विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग मौजूद थे। हाथी और चौड़ा होने जा रहा है। एक बात है कि हमारे जो पूर्वज, चाहे वो संथाल परगना में हो, चाहे छोटा नागपुर में हो, लोगों ने अंग्रेजों के साथ में लड़ाई लड़ी। क्या वो नौकरी लेने के लिए लड़ाई लड़े थे? क्या वो पैसा के लिए लड़ाई लड़े थे? इस मिट्टी को बचाने के लिए और यहाँ के जो दलित, शोषित, पीड़ित, यहाँ के आदिवासी मूलवासी आने वाले समय में कैसे अमन चैन से रहेंगे, यही सोच के लोगों ने बलिदान दी। आज हम उसी के औलाद हैं, आज उसका खून का हिस्सा है, तो फिर हम अपने ही घर में, अपने ही राज्य में, अपने ही मिट्टी में आज जूता खा रहे हैं। कहां जाएंगे हम लोग और कौन बचाएगा? जाए तो किधर जाए? एक होना पड़ेगा, एक ही उपाय है। यहां के जनमत को एक होना पड़ेगा और जिस दिन यहां पर हमारे लोग एक होंगे, यहां का नक्शा बदल जाएगा। क्या हिम्मत है बेईमानों को? आज यहां इतना हिम्मत करके हमारा जमीन लूट रहा है और ये सरकार देख रही है। सरकार के आंख के नीचे कहां है शासन प्रशासन? कहां है एक्ट को दरकिनार करके? कहां है यहां का कमिश्नर? कहां है यहां का DC? कहां है SDO, CO? सब पैसा ले लेकर के यहां के लोगों को अपना ही जमीन से बेदखल किया जा रहा है। और इतना बात आप लोग जान लें, ये मिट्टी रहेगा तब यहां आदिवासी रहेगा। मिट्टी नहीं रहेगा, एक दिन